कल आपने वो जो मुझे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक बना के दिया था, वो चेक लेके मैं भिड़े के पास गया। मैंने सोचा चेक देके भिड़े खुश हो जाएगा, मुझे शाबाशी देगा कि हाँ जेठालाल, महीने की पहली तारीख को सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक तुम मेरे बिना याद दिलाए सामने से मुझे देने आ गए। उल्टा उसने वो चेक देख के मुझे कितने ताने मारे पता है आपको? ये देखा। Hey guys, स्वागत है आपका बिंदास बॉलीवुड में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर बार हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। ठीक उसी तरह इस एपिसोड में भी यही हुआ। हर वक्त सोसाइटी के मेंटेनेंस का बिल लेट भरने वाले जेठालाल इस महीने की पहली तारीख को ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं, ये उम्मीद के साथ कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई खुश हो जाएंगे, जेठालाल को शाबाशी मिलेगी। पर नहीं, यहाँ तो पूरा सीन ही उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पहली तारीख को मेंटेनेंस भरकर शाबाशी मिलने की उम्मीद से भिड़े भाई के घर चेक लेकर जाने वाले जेठालाल को भिड़े भाई ताने मार मार के बनी बनाई उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। वैसे भी दूसरों की उम्मीद पे होने वाले काम हमेशा सही हो ऐसा भी जरूरी नहीं। यहाँ जेठालाल ने नटू काका के भरोसे ये चेक बनवाया था, जो बिना चेक किए भिड़े भाई को दे दिया, फिर ये सब हुआ। दोस्तों, जिस तरह से जेठालाल की किस्मत में हर वक्त ऐसे ही कुछ किस्से बनते रहते हैं, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेकर्स, प्रोड्यूसर और दर्शकों के साथ भी दया भाभी के किरदार को लेकर यही होता है कि हर एपिसोड में बनी बनाई उम्मीद पे पानी फिर जाता है। सब लोग दया भाभी की आने की आस लगाए बैठे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्या उम्मीद है कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।